iPhone 14 सिर्फ 53,900 से बाप रे बाप। iPad की रेंज इस फेस्टिव सीजन 30,900 से शुरू हो रही है। ओ माई गॉड। iPhone 14 Pro starting from just 1,04,900 onwards, भाई साहब। Apple Watch Series 8 सिर्फ 35,900 से। iPhone 13 effective price of 35,000 rupees only। Welcome back guys, welcome back to the vlog। कैसे आप सब लोग? तो जैसे आपने मेरे चैनल के ट्रेलर में देख लिया कि iPhone 14, iPhone 13, Apple Watch Series 8 और iPad Series पे इतना भयंकर डिस्काउंट आया है यूनिकॉर्न में, इतना भयंकर कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। और जो लोग मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोवर उन्हें पता ही है कि मैं iPhone 11 से शूट करता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अगर सिर्फ 53,000 में iPhone 14 मिल जाए तो इट्स अ वर्दी अपग्रेड। तो क्यों ना इस व्लॉग में आगे चल के सारे ऑफर्स को देखते हैं, जानते हैं और एग्जैक्टली इस मिथ को जानते हैं कि वास्तव में हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है या वो स्टार बहुत भारी पड़ने वाला है हम पे। तो बिना देरी करते हुए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए, चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए वीडियो कर देना सुपर डुपर हाइपर लाइक। और बिना देरी करते हुए चलिए जानते हैं कि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ या नहीं। सो गाइज, मैं अपना इंस्टाग्राम का स्क्रोल अपने लैपटॉप पर फीड कर रहा था जब मैं यूनिकॉर्न के ऑफिशियल पेज, जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पेज है, इस पर आया और मैंने कुछ ऑफर्स देखे जिन्हें देख के मैं दंग रह गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आपका iPhone 13 स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 ओनली, ठीक है। और एक ऑफर जिसे देख के मैं बिल्कुल जॉ ड्रॉप वाला होता है ना कि ओ माई गॉड ये कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके ऑफिशियल पेज पे iPhone 14 53,900 रुपीज से स्टार्ट हो रहा है। माई गॉड, अगर 53,000 मिल जाए तो मैं अभी ना ले आऊँ। और देखो iPad की जो रेंज है वो 30,900 से स्टार्ट हो रही है विद अ बिग स्टार। एंड यहाँ पे इन लोगों ने iPhone 14 का ब्रेकअप भी दे रखा है कि कैसे आपको 79,000 यानी 80,000 रुपये का फ़ोन 53,900 यानी कि 54,000 में मिलेगा। और iPhone 14 Pro 1,04,900 रुपये का है, मिल जाएगा आपको, जो कि 1,30,000 का है। तो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं वन अवध सेंटर सिनेपोलिस मॉल में। तो चलिए अब यहाँ एप्पल स्टोर में चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या डिस्काउंट और कैसा डिस्काउंट मिलने वाला है अपने आईफोन पर। तो अपना सिनेपोलिस जो है एज यूजल सजा धजा है, लाइट्स वगैरह बहुत बढ़िया हो रखी हैं। सामने एप्पल स्टोर है वहाँ पे। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें मिलने वाला है वहाँ पे। तो ये है हमारा iPhone 14 ब्लू कलर में और इसकी प्राइसिंग क्या है, 74,900 पड़ रही है। बहुत सही। और ये है iPhone 13 अल्पाइन ग्रीन में, भाई साहब ये पड़ रहा है 69,900 का, 67 पड़ेगा ऑफर। तो मैं अभी एप्पल स्टोर से बाहर आया, सारे ऑफ़र, सारी चीज़ें, सारी प्राइसिंग उन लोगों से डिस्कस कर ली मैंने। और ये बात तो सच है कि जो आपको वो ऑनलाइन मेंशन, जो वो पिक्चर्स में आ रहा है, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भरा हुआ है, वो प्राइस आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी सब चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप रंज भैया आईफोन ले आए? नहीं। क्यों? एक्चुअली ऐसा है, जो उनके जो एक्सचेंज ऑफ़र है उसके बड़े सारे क्लॉजेज हैं। तो HDFC का डिस्काउंट और कैशबैक और बोनस तो एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन उसमें जो बड़ा डिस्काउंट है जो 18 से 22,000 वेरी करेगा, आपका जो फ़ोन एक्सचेंज में जा रहा है उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है, जो आईफोन यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा, एटलीस्ट 80% से अबव होनी चाहिए, यानी कि 81, 82, 83 होनी चाहिए, तब आपको फुल रीइंबर्समेंट मिलेगा। उसके बाद आपका जो चार्जर है, आपका जो केबल है, आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो ओरिजिनल एप्पल का एक्सचेंज में उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, तब आपको पूरे 18 या 20,000 मिलेंगे। तो मेरा चार्जर तो ओरिजिनल है, मेरा केबल भी ओरिजिनल है, मेरा हेडफोन भी ओरिजिनल है, मेरा बॉक्स सब ओरिजिनल है, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, मेरे आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 80% पे है। तो जो मेरा एक्सचेंज बोनस आ रहा था वो आ रहा था सिर्फ 12,000 रुपये का। तो अगर वैसे देखते तो मुझे वो फ़ोन पड़ता लगभग 62,000-63,000 का। तो इट वॉज नॉट वर्थ इट। इनफैक्ट iPhone 13 पे भी मुझे उसने यही बताया कि सर अगर आपके आईफोन की जो वैल्यू मतलब जो बैटरी हेल्थ वो 81 भी होती तो 35,000 में आपको iPhone 13 मिल जाता। तो जिन लोगों के iPhone की बैटरी हेल्थ 81%, 82%, 83% है, वो लोगों के लिए ऑफर 100% वैलिड है, जेन्युइन है। लेकिन जिनकी बैटरी 80% पे है, मेरी तरह हार्ड लक, मतलब आपके लिए ये कोई भी ऑफर अवेल नहीं है। इनफैक्ट सेम गोज फॉर एप्पल वॉच। अगर आप एक्सचेंज करते हो तो एप्पल वॉच सीरीज 8 जो है वो आपको 27 समथिंग की पड़ जाएगी। लेकिन एक जो डिस्काउंट मुझे अगर आपको एप्पल वॉच लेने जो सही लगा वो ये थी कि एप्पल वॉच जो ऐसी है वो 29,000 की है और डायरेक्ट उस पर कुछ 30 या 60 डेज का कैशबैक है तो 27 की आपको पड़ जाएगी, जो कि एक अच्छी डील थी। आईपैड 32,000 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो सही डील थी। ऑल इन ऑल पहली बार उनकी जो ऑफर है वो ऑलमोस्ट मैचिंग से है, मतलब सही है अगर आप क्लॉजेस को फॉलो कर पाओ। सो आई होप कि आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा है। अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो कर दो सुपर डुपर हाइपर लाइक। अगर आप आईफोन लेने जा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना आप कौन सा लाए, कौन से कलर का लाए, कौन सा फोन एक्सचेंज में लेके आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मस्कते रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।